हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सम शॉर्ट वर्ड्स और उसके फुल फॉर्म्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कभी सुनते हैं कि एटीएम, ठीक है, एटीएम क्या होता है। उसके बाद कभी कभी हम पढ़ते हैं कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO क्या होता है, IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, ठीक है, SIM क्या होता है। इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं रोजाना जिंदगी में, बट इसका हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, एटीएम, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एटीएम क्या, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक बोलते हैं, नहीं ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और सेकेंड क्या आपका, यूएनओ। यूएनओ मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्या हमारे पास है, WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या आपका WHO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपका अगला क्या है, नासा, NASA, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। सबका सपना होता है लड़का लोग का कि हम साइंटिस्ट बने, हमारा पोस्टिंग नासा में हो, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म जो होता है, N फॉर नेशनल, A फॉर एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। नासा क्या फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ये आपके नासा का फुल फॉर्म है। और अगला क्या आपका, NCERT, अभी IIT, JEE Mains, NEET और कोई सा एंट्रेंस एग्जाम हो के भी यूनिवर्सिटी का, उसमें हर मास्टर आपको टीचर कहता है कि NCERT पढ़ो, लेकिन वो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जो NCERT उसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है NCERT का फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, अगला हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MBBS। हाँ, सबका ड्रीम MBBS। तो MBBS तो सबका ड्रीम होता है कि भाई हमको MBBS डॉक्टर बनना, लेकिन MBBS का फुल फॉर्म भी तो जानना चाहिए भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन। ये MB से ये B पहले आ गया है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, और यहाँ फिर B पहले एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब किसी बच्चा का MBBS नहीं हो पाया तो बोला चल भाई BUMS ही कर लेते हैं, तो BUMS का फुल फॉर्म क्या होता है, BUMS का बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। क्या होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई यहाँ पे सिर्फ ड्रीमी ड्रीम है, MBBS, BUMS, IAS, IPS, ठीक है, सब बनना चाहते हैं लेकिन फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। तो IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, IAS सबसे बड़ा पोस्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे एग्जाम IAS का सबसे बड़ा पोस्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद फिर से एक बड़ा पोस्ट, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, और ये जो निकलने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद क्या बनता है भाई, DIG। क्या बनता है, DIG, DM, जो भी अपने रैंक के हिसाब से जो बनता हो। तो DIG का फुल क्या होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपके शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्या है कि IG। तो IG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक पोस्ट है। तो IG का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल। क्या होता है IG का फुल फॉर्म, इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद आपका आता है SSP। SSP क्या होता है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, यानी SSP जो होता है पुलिस का सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है। उसका तेरा नंबर में क्या है, DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। DSP का क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। आपका नेक्स्ट क्या है, SDM। SDM का जो होता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अगला क्या है 15 नंबर में, CID। हम लोग देखते भी हैं, सब टीवी पे आता है। CID का क्या फुल फॉर्म होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है कोर्स है DSC, डॉक्टर ऑफ साइंस। एक और कोर्स है MSc, जो अक्सर बच्चे करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद आपका है BBC। BBC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन।
ठीक है। ये जो आपके सारे फुल फॉर्म थे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।